शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सविता, हाँ? मैं तुम्हारे लिए गार्डन से फल लेके आया हूँ, ये लो खा लो। ठीक है, चल जाते हैं। जा, तू मुझे बहुत बेवकूफ बनाता है। अरे नहीं, सुनो तो। भाई, कुमार आया है। एक कचरा बेशरम, क्यों आया यहाँ पे?
भाई मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। तुझे कोई शर्म वरम है कि नहीं? जिस थाली में खाया उसी में छेद करने चला था। अरे तुझे पालने से अच्छा तो मैं 4 कुत्ते पाल लेता तो सुकून से रहता। भाई मैंने क्या किया? ए, उस दिन बॉर्डर क्रॉस करने के समय कमला के घर 40 केस की फाइल किसने लॉक की थी मुझे पता है। भाई मैंने नहीं करवाया। ए, मेरी बात ध्यान से सुन, यही फर्स्ट और लास्ट है। आज के बाद मेरे घर के आसपास भी दिखा तो तेरे पैर तोड़ डालूंगा। चल जा। ओहो, कुमार, रुद्रा का पक्का राइट हैंड। क्या हुआ? वैसे यहाँ कभी आता नहीं, आज कैसे आना हुआ तुम्हारा? क्या था वो रुद्र मुझे लेके बिजनेस किया, 4 पैसे कमाया और आज मुझे ही धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उस नागराज कंकल के घर को मैं ही परचेस करने वाला था, लेकिन तूने और उसने मिलके एक एमपी का सपोर्ट लेकर मेरे बिजनेस में खलल डाल दी। पर तेरी हालत को क्या हुआ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो फिर कुछ भी करके रुद्रा को मारना होगा। खत्म करेंगे। वो एक्साइज ऑफिसर देवराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। रुद्रा के धंधों को अब मैं चलाऊंगा। तू उसे खत्म कर दे, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करता हूं। तुझे तो जाना चाहिए था ना। ए, तुझे छोड़ के मैं कभी क्लास गई हूँ क्या? बचपन से ही मैं तेरे साथ ही जाती हूँ। ठीक है चल, लेट हो रहा है। होना, मुंडी नीचे करके क्यों खड़ा है? तेरा पैसा कहाँ है? मालिक, इतने पैसे में तो परिवार नहीं चलता, आपको कहाँ से दे? तूने नहीं दिए, तिम्मा ने नहीं दिए, तुम लोगों को जमीन दी इसलिए ऐसे कर रहे हो ना। मेरा हिस्सा मुझे नहीं मिलेगा तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं सविता जी। भैया, स्कूल से अभी आई क्या? हाँ भैया। ठीक है, अंदर जा। अच्छा, ये क्या हाल बना लिया? जवान लड़कियाँ कैसी रहती है पता नहीं क्या तुझे? छोटे बच्चे की तरह यूनिफॉर्म गंदा करके कहाँ से आई है? भाभी, आज स्कूल में खो खो का खेल था। भाभी तुम भी चिल्लाती ही रहती हो। कितनी गंदी लग रही है पता है? जल्दी से नहाकर कपड़े चेंज कर ले। क्या मैडम, तुम्हारा पति घर पे है क्या? वो अभी अभी घर से बाहर गए हैं। देखो मैडम, तुम्हारा पति बॉटल का ढक्कन खोल रहा है। लोकल पब्लिक कंप्लेन कर रही है, कंप्लेंट्स मेरे पास आई हैं। इधर देखिए, सबका कारण रुद्रिया है, तुम्हारा पति। उसको क्लियर करके बोल और अच्छे से जीने के लिए बोल, क्योंकि सारे ऑफिसर्स मेरे जैसे अच्छे नहीं होते। भाई भाई, एक्साइज वालों ने आपके घर पे छापा मारा है। सब बॉटल का रखी है? खेत वाले घर के ऊपर रख के आया हूँ। चल ठीक है, बैठ। भाई रुद्र आ रहा है। आने देना, आज उसकी कहानी खत्म कर देंगे। इस मोहन से पंगा लोगे
तो क्या अंजाम होगा ये समझ में आ गया ना रुद्रा? वो क्या है मोहन, मैं रुद्रा कैसे बना ये तू नहीं जानता। अभी जो मैं धंधा कर रहा हूं ना, उसमें तू नया है और मैं पुराना खिलाड़ी हूं। ये देवराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू ये सब कुछ इसी इंसान की बातों में आके कर रहा है ना। तू जो कर सकता है वो कर ले। मैं क्या कर सकता हूं ये तुझे पता चलेगा। बचाओ बचाओ सविता, सविता गिर गई यार, बचाओ इसे। संतू संभल के, संतू अरे देख के बचाओ। ध्यान से। संतू कैसा है तू? ठीक हूँ मां। है तुझे आजकल? 100 बार बोला तुझसे ये सब नहीं चाहिए, पर मेरी बात सुनता कौन है? एक ही लड़का है, अच्छे से पढ़ा कर काम पे लगाना चाहिए, किसी अच्छी जगह पर नौकरी पर लगाना चाहिए। ये पकड़। हे भगवान, कितनी बेरहमी से मारा है। मम्मी तू रो मत, भाई तो पहले से ही दुखी है। मुझे कुछ देर के लिए अकेला रहने दो प्लीज। क्या आप भी बच्चों जैसे रो रहे हैं? गुस्से में आके 2-4 बातें बोल दी मैंने। नहीं शारदा, गलत काम करने वाला तो मैं हूं, मुझे ही अंदर जाना चाहिए था। मैंने जो गलत काम किए उसकी सजा मेरा बेटा भुगत रहा है। आज पता चला बच्चों को माँ बाप की कितनी जरूरत होती है। मुझे लगता था जिंदा रहने के लिए पैसा ही सब कुछ है। भगवान ने मुझे अच्छा सबक सिखाया। जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाइए सब कुछ। साइना तू पढ़ने जा। था यार अब तक। अरे देख देख, अरे देखना क्या यार, लग रही है यार, लग रही है, गजब लग रही है, देख के चल रही है यार। क्या लग रही है यार। 30 बार का। हाय मंजू। हाय। पता नहीं है। ए वेंकी, नागा, बसिया, मंजू मैं हूँ यार, अच्छे हो ना? ए इधर देखना बंद कर, फुल ड्रीम में है क्या? हाँ वो सीन में नहीं है। अच्छा, वो किधर है? यंग है, स्मार्ट है, हैंडसम है, क्रेजी बॉय जैसा है। संतू क्या? यस हाँ वही। ये भाई किसकी है? ये लो, ए कमारा हीरो आ गया। कैसे हो तुम? अरे मैं हूँ सुमन। छोटी बच्ची थी, यहाँ भागती थी, वही है क्या? फुल कलरफुल हो गई है। अच्छा तुम कॉलेज की तरफ जा रहे हो ना? हाँ यार, क्या ढूंढ रहे हो तुम? कॉलेज की तरफ जा रहे हो ना? मैं भी आऊं क्या? अरे यार, अरे और हम लोग, और यार हम लोग क्या, तुम लोग भाग गया क्या? क्या
तुझे प्यार हो गया, दिल तुझ में ही खो गया, धीरे धीरे प्यार हो गया, दिल तुझ में ही खो गया, मैं ना मेरी मैं ना पीछे साला दिल मेरा चला, जलवा मेरा देख ले तू आके, जलवा मेरा देख ले, चोरी चोरी नजर मिली प्यार हो गया, तेरे पीछे पीछे साला दिल मेरा चला, जलवा मेरा देख ले तू आके, जलवा मेरा देख ले, मैं ना मेरी मैं ना तू मेरी मैं ना, आजा मेरे पास आ, हाँ ले लो तुझे चुम्मा, आयो आये, आयो आये, आयो आये, आयो आये, आशी आहा, आशी आहा, आशी आशी आहा, आशी आहा, आशी आहा, आशी आहा, वैसी पोज मुझे क्यों तू दिखाए, लटक झटक नखरे दिखा मुझको पटाए, तू है रंग रंगीली दीवानी, तू है रंग रंगीली, ऐसी वैसी पोज मुझे क्यों तू दिखाए, लटक झटक नखरे दिखा मुझको पटाए, तू है रंग रंगीली दीवानी, हाँ ले ले मुझे चुम्मा, धीरे धीरे प्यार हो गया, दिल तुझ में ही खो गया, ओ धीरे धीरे प्यार हो गया, दिल तुझ में ही खो गया, मैं ना मेरी मैं ना, थैंक यू, बाय। चलो यार पहुंच ही गए, आ गए आ गए, हम लोग आ गए। कैसे हो दोस्त? आराम से। हाय संतू, हाय। आज क्लास अटेंड नहीं करोगे क्या? तुम चलो मैं आता हूँ। ठीक है चल। क्या यार तू भी कुछ भी बोलता है, अब देखो बकवास करता रहता है। हाँ यार इसीलिए यार। ए क्या कैसे रहे तू? एक राउंड बोल के गया था, अभी तक बाइक लेके घूम रहा है। ऐसा नहीं चलेगा, फोकट की गाड़ी लेके स्टाइल मार रहा है, समझा क्या? ला चाबी दे। हैं? ये ले। इसकी गाड़ी है ये? चश्मा भी दे मेरा। हाँ ठीक है तो क्या होगा? इसकी गाड़ी है। क्या बोला मैं तुझे? सही कर। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। मैं आप सब विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ आपका नया प्रोफेसर नियुक्त होकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मेरा इस क्लास में आज पहला दिन है, इसीलिए आप सभी स्टूडेंट एक एक करके अपना परिचय दीजिए। सर मेरे पापा कार बेटी सिद्धिलिंगा सर, मेरा गांव कार्यपुर सर, मेरा नाम बसिया सर। रुक, एक बार शुरू हो जाता रुकता ही नहीं है। शांत हो जाइए, पीछे लाइनिंग वाली टी शर्ट आप बोलिए। ए भाई
बैठ जाना, हम सब की तरफ से तुझे नमस्कार। साइलेंस। आप बोलिए। सावंत बाड़ी, कुकंदर बाड़ी, नमक बाड़ी, मगन बाड़ी, रामानंद, रामानंद सागर सर। ब्लू शर्ट आप बोलो। सैंडलवुड किंग। हैट्रिक हीरो ने जिस पिक्चर में काम किया है उस पिक्चर का नाम है संता, और वही मेरा नाम है। ए बच्चू, ओवर बिल्डअप नहीं चाहिए। साइलेंस, साइलेंस। बैठो ना, दांत निकाल रहे हो। लिसन, इधर आओ। ये क्या चल रहा है? जहां जहां मैं जा रहा हूं वहां वहां पहुंच जा रही हो? जल्दी से बताओ क्या लाई हो, मुझे जाना है। क्या यार, बहुत खुश है। चल क्या रहा दिया है? बता ना। अरे वाह, लड्डू दिया है। क्या दिया है? अपने हाथ से खा लेना यार। ए संतु, एक सुंदर सी लड़की एक सुंदर से लड़के के पीछे पीछे क्यों घूमती है, तुझे पता है? कुछ तो चक्कर है। तुम लोगों की आंखों के सामने रहता हूँ, अच्छा नहीं लगता है क्या? मेरे पापा और उसके भाई सांप और नेवले जैसे लड़ते रहते हैं। अगर उन दोनों ने हम दोनों को साथ देख लिया ना, तो उसके भाई की तो छोड़ो, मेरा बाप ही मुझे काट डालेगा। चल चुपचाप। देखो जी, थोड़ा संभाल के जाके गोडाउन में रखो। चलो ठीक है सर। मैं इतनी रात को इतनी तकलीफ में काम कर रहा हूँ ताकि वो अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छे से रह सके। कर क्या रहा है तेरा बेटा? सो रहा है ना अभी तक? ए, जाके उठाओ उसे। इनका हमेशा का ही ऐसा रहता है। संतू, संतू, माल आया है, उतार क्या? अरे जाओ ना मम्मी, मुझे नींद आ रही है। बेटा बस 5 मिनट, माल उतार के आके फिर से सो जा। वो कौन से नक्षत्र में पैदा हुए आपके पति, रात में भी नहीं सोने देते। उठ जा बेटा। ए, आंखों में नींद होती है तो काम नहीं होता, मेहनत करके कमाना पड़ता है। सविता, थोड़ा नाश्ता करके जाओ। कॉलेज के लिए लेट हो रहे हो भाभी, मैं वहीं खा लूंगी। बाय। खाली पेट कभी नहीं जाते हैं, हमेशा खा के जाते हैं। खाओ ना सविता। सविता थोड़ा खा के जाओ। सविता लेट हो रहा है भाभी, खा लो ना। नहीं खा रहा मैं, वहीं कुछ खा रही हूं यार, समझ नहीं हो रहा। बात मानो ना। क्या भाभी, मुझे नहीं चाहिए। चोर, खाना क्यों नहीं खा रही है? समय पे नहीं खाओगी तो तबीयत खराब होगी, पहले खाना खा लो फिर क्लास जाओ। सरोजा देखिए ना, बिना नाश्ता किए खाली पेट ही कॉलेज जा रही है। तुम नाश्ता लेके आओ। सविता मना मत करना, अपने प्यारे भाई के हाथ से 2-4 निवाले तो खा ले। चलो खाओ खाओ। ये हो गया भैया, बस प्लीज। बाय 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 बाय। भाई लाइए। नमस्कार भाई। नमस्ते कुमार, आजकल बिजनेस सही चल रहा है ना? टेंशन नहीं है भाई, ऊपर चलें क्या? हाँ चलो चलते हैं। अब बोल कुमार, बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस सुपर चल रहा है भाई, पर यदि हम रुद्रा का माल पकड़वा देंगे तो आप राजा और मैं मंत्री। शेर को घास नहीं खिला सकते, हिरन खिलाना पड़ता है। हिरन को तो मैंने दिखाया था, पर उसके घर में रात में मैंने एक चीज और देखी, माल आया था। क्या बात कर रहा है? तूने अपनी आंखों से देखा? छे, वो देवराज के हाथ नहीं आ रहा है। आज अगर वो मिल जाता तो रुद्रा की कहानी खत्म हो जाती। मुझे दे। ए, चल हट पागल। स्टूपिड। ए, किधर है ये ईस्टमैन कलर? आई नहीं अभी तक। अगर वो आएगी भी ना तो उसके बाजू में मैं ही बैठूंगा, समझा? मैं बैठने वाला हूँ, परसों ही डिसाइड किया था। बेटा
मैं तेरे को 10 पैकेट चिप्स दूंगा, मुझे सपोर्ट कर। भाई मैं बैठने वाला था, परसों डिसाइड किया था। अरे यार सबको मिलेगा, उस साले संतू के आने से पहले पटाके रखना पड़ेगा। ए लिसन, तूने वैंकी बसिया को देखा क्या? नहीं यार मैंने नहीं देखा। पता नहीं कहां मर गए ये लोग। अरे आ गई वो स्पिट कलर, चलो सब आ जाओ। जा रहे हो? मैं भी आती हूँ। हाँ अरे क्या कर रही है, पागल है क्या तुम? हो पागल ये तो रहा है। हाँ जगह मिल गई। अरे संतू कहाँ था, दिखाई नहीं दिया? नहीं लेट हो गया था। ए, देख इसको, एक मेंटेन करने के लिए बोला, दो दो मेंटेन कर रहा है, देखा? और अपने हाथ में लोटा। ए, चुपचाप बैठो। और ये लोटा क्या है? तू ही तो लोटा सही बोला। ए, पागल कभी भी देखो कहाँ देखता रहता है। कुत्ते बंद कर मुँह तेरा। मैंने जैसा बोला वैसा कर जी। हाँ एक मिनट, इसकी औकात है जिसको दिखा देते हैं। ए रुद्रा, तो अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी नहीं बिताना चाहता है क्या? सारे धंधे छोड़ दे। कभी किसी से डरा नहीं, अब तुझसे डरूंगा क्या? तेरे जैसे कई आए हुए गए, समझा? डरना पड़ेगा। अगर नहीं डरा तो डराऊंगा। ये गांव और तुम्हारे धंधे छोड़ के तुम्हें भागने पे मजबूर ना किया तो मेरा नाम भी मोहन नहीं। करेगा करेगा। ए चमचे, ये सब तेरा ही काम है, मुझे पता है बेटा। एक ना एक दिन तो प्रिय छात्रों और छात्राओं, आज हम विजयनगर के इतिहास के बारे में जानकारी लेंगे। ये विजयनगर के इतिहास को स्थापित करने वाले हरिहर और हक्का बुक्का हैं। ये विजयनगर जाना जाता है श्री कृष्ण देवराय की वजह से। उनके टाइम में विजयनगर बहुत अलग था। उन्होंने विजयनगर के लिए बहुत कुछ किया, बहुत ही तरक्की के रास्ते ढूंढे, समाज में अच्छे कार्य किए। उनकी वजह से आज भी विजयनगर उनको याद करता है। उनके जैसा सेवक दोबारा विजयनगर को नहीं मिला, इसलिए विजयनगर आज भी। क्या हुआ सविता, तबीयत खराब है? ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं ठीक हूँ। आधे घंटे से मैं चिल्ला चिल्ला के सबको पढ़ा रहा हूँ, कोई पागल चिल्ला रहा है ऐसा समझ के तुम सर नीचे करके सो रही हो? गेट आउट। चलो सब लोग जाओ। लेक्चरर डांटते हैं तो अच्छे के लिए डांटते हैं ना सविता। यहाँ चुपचाप बैठ के रोने से क्या फायदा? तुम जाओ यहाँ से, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से क्या हुआ है? क्या हुआ? सुबह तुझे और संतू को साथ में देख के मुझे अभी भी जलन हो रही है। ओ, तो ये बात है क्या संतू? मेरे मम्मी पापा, मेरे दोस्त यार, मेरा कोई नहीं है। मुझे कभी इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी, और जब से तुम मुझे मिले हो तुम मेरे बिल्कुल क्लोज फ्रेंड बन गए हो। उन सबको मैं तुम्हें देखती हूँ, मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। और जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो वो सब भी भूल जाती है। इतनी सब फीलिंग होने के बाद भी मैंने तुम सब लोगों से दूर जाने का डिसीजन लिया है। ये तो क्या बोल रही है सुमन? हाँ मेरी शादी फिक्स हो गई है। मेरी शादी तुम और तुम्हारे दोस्त लोग मिलके और एकदम धूमधाम से करवाओ, बस इतना ही। मेरी बस इतनी सी ही इच्छा है। प्लीज़ मेरा कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपना सुख दुख बांट सकूँ। तुम लोगों के सिवाय मेरा कोई नहीं है। उसके लिए क्यों टेंशन ले रही है? हम सभी दोस्त लोग तेरी शादी जो है ना उसको ना पूरे धूमधाम से करेंगे, ठीक है? बस यही बात हुई। ए सविता,
तू संतु से बहुत प्यार करती है ये मैं जानती हूँ। अरे अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। सविता चल निकलते हैं। हाँ उधर देख संतु। ओके अरे चढ़ावे के लिए तो पैसे ही नहीं है यार, क्या करूं। हे भगवान जी माफ कर देना। अरे चलो कोई बात नहीं, भगवान माफ कर देंगे। सविता धूप बत्ती जला दे और दिया जला दे, आंख बंद करके भगवान से जो मांगेगी वो मिलेगा तुझे। थोड़ी मेरी भी जाने सनम ये मुझे क्या हुआ।
लो पहला पीरियड ही सोने वाले का है, सुबह सुबह ही उसका रहता है। नहीं भूलने के बाद भी जरा लेके जाता है। सुनना बसिया, आज पिक्चर चलते हैं ना? हाँ चलते हैं ना, सब लोग चलते हैं। क्या बोलता संतू? हाय संतू। हाँ हाय। इस पागल को देखो, इसे मुझे घूमने के अलावा कोई काम ही नहीं है। ये लो मेरी शादी का इनविटेशन कार्ड, तुम सभी को एक साथ आना है एक ही टाइम पे, समझ गए ना? आएंगे आएंगे, पक्का आएंगे। भूलना मत। आएंगे। बाय बाय। जोर का झटका धीरे से लगा क्या? सही बोला। बाय। चलो चलो चल यार, चलो बहुत देर हो गई यार, चलना बैठ। कुछ भी बोलता है, उससे प्यार करता है कि नहीं? आज मैं ये पता लगा के ही रह रही हूँ। किधर गई, आई नहीं अभी तक। हे सतू, जा रहा? तुम चलो, मैं आ जा रहा हूँ। अरे बाय। आज तो इतनी देर हो गई फिर भी नहीं आई अभी तक, क्या माज रहा है? क्या हुआ, कॉलेज नहीं गए? किसका वेट कर रहे हो? क्यों, तुम कॉलेज नहीं जा रही क्या? जाना तो है, वो घर पे मेहमान आ गए थे ना, इसलिए थोड़ी लेट हो गई। अच्छा तुम्हें कॉलेज ही जाना है ना? वो ठीक है, तुम सोचते रहो, मैं तो चली कॉलेज। ओके ए, रुको मैं भी चलता हूँ। साथ में चलते हैं। क्या ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है? बात तो वही है, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगता है, पर मेरे पापा। क्या हुआ? बाप रे, बच गया मैं। पापा के हाथ लग जाता तो गड़बड़ी हो जाती, मैं तो गया था आज। संतू तुम अपने पापा से इतना डरते क्यों हो? क्यों नहीं डरूंगा यार, पता नहीं कौन से टाइम में पापा का नाम रुद्रा रखा गया। अगर आंख बड़ी करके भी देख लेते हैं ना तो पूरी फैमिली थर 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 कांपती है। ये ले जला। अभी खा खा के एक क्विंटल हो गया है तू, ऐसे ही खाता रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल बीपी शुगर होके घर के सामने ही धुआं निकलता रहेगा, देखना पूरा शरीर खराब कर लिया। आगे क्या करेगा क्या पता, आगे की बात ही खत्म हो जाती है। चुपचाप चाय पियो और चलो। कलर सब अपनी तरफ आ रहे हैं, एक काम कर जाकर पिंक वाले को टच कर किया। अपुन से नहीं होगा भाई, और तुमसे भी नहीं होने वाला। मुझसे नहीं होगा, देख मैं सबको टच करके आऊंगा, वेट एंड सी। ठीक है भाई, आज हम भी देख लेते हैं। देख मैं क्या करता हूँ। I loves you। ये देखा ना कैसे टच किया मैंने। ए मंजू लेगा क्या सिगरेट पकड़, मैं भी आता हूँ। हाँ क्या संतू, हाँ? हाँ? क्या हो गया इसको? ये कौन है बे? अपने एरिया में आके अपने को ही घूर रहा है। अबे यही रुको, मैं देखता हूँ। क्यों बेटा, क्या है तेरी प्रॉब्लम? कौन है तू? ए! ए! अपुन के एरिया में आके अपुन के भाई को मारता है। ए! चलो सब लोग चलो। मुंह क्या देख रहे हो, जाओ मारो उसे। Oh!
बागी भाई के, अगर इन्होंने मुझे मारपीट करते हुए देख लिया तो मेरी तो भाग। शांता, ए शांता, कहाँ है तेरा बेटा? मैं मेहनत करके पैसा कमाता हूँ उसके कॉलेज जाने के लिए, इधर उधर फालतू लोगों के साथ घूमने के लिए नहीं। अब ऐसा क्या हो गया? ए, पढ़ लिख के वो कोई बड़ा आदमी नहीं बनने वाला है। अभी जो हमने धंधा चलाया है, कॉलेज छोड़ के उसी को आगे बढ़ाए, बोल देना उसको, समझी? जो तुमने किया है वही तो करेगा ना, बिना सोचे समझे अनजाने में कुछ गलत कर दिया होगा, उसके लिए उसका कॉलेज छुड़वाओगे? ए, वो बिगड़ा है सब तेरी वजह से, कल से जो मैं बोलूंगा वही सुनना पड़ेगा, वरना तू जानती है ना मेरी बुद्धि। क्या हुआ मम्मी, तुम क्यों रो रही हो? अरे मेरी किस्मत खराब है, पापा का काम तो मैं कभी नहीं करने वाला, मुझे ड्राइविंग आती है, मामा ने बोला था एक जीप देंगे, उसको लेके भाड़े पे चलाऊंगा। नहीं बेटा संतू, तू अच्छे से पढ़ाई करेगा तो अच्छी जगह काम मिलेगा, सभी लोग बोलेंगे रुद्रा शराब का धंधा करता है तो भी बेटे को अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया है, सब ऐसा बोले, बस यही चाहती हूँ बेटा। ए, ये पाप पुण्य भाग्य कुछ नहीं चलता, पैसा रहेगा तो सब कुछ चलेगा। हर वक्त पैसा पैसा करते रहते हो, बीवी और बच्चों से ज्यादा बड़ा है क्या पैसा? छी, अरे अपना वो पागल आशिक कहाँ गया है? ए, क्या दिखाई नहीं देता, ये तो बैठा सामने। ए, क्या हुआ तुझे, दिल वाला होके मुंह लटका के बैठा है भाई, तेरी स्टोरी क्या है? यार सुबह लव लेटर देके जाने वाली खाली लेटर देके चली गई। ए, उसका क्या करना है, शादी में तेरे खाने का इंतजाम से हो गया? छोड़ ना यार, पूरे गांव में एक ही पद्मावती थी क्या? अरे तू मेरे जैसा सिंगल रहा, दुनिया रंगीन लगेगी। वाओ, पहले मुंह बंद कर, मुंह बंद कर बे। ए, चलो क्लास का टाइम हो गया। हाँ, चलो। हाय सविता, खाना वाना हो गया क्या? सुबह खाना नहीं खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं। ऐसा है क्या यार, तुझे खाना और नाश्ते का डिफरेंस नहीं पता है क्या? नहीं। तो सुन, कुछ भी खाने में भी ना थोड़ा गैप रखना चाहिए, और तू है कि हमेशा खाते रहता है। तुम जिसे ढूंढ रही हो नहीं आने वाला। क्यों? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कोई लड़की छेड़ रहा था, इसलिए हमारे दोस्त ने बहुत मारा, इसलिए उसके पापा ने कॉलेज छुड़वा दिया। ड्राइव काका, ड्राइव। हाय हाय हाय, क्या संतू, नई जीप ले ली तूने? मामा ने दिलाई है यार, यहाँ वहाँ करके तूने जीप ले ली, अब पार्टी तो मिलेगी ना। मुझे एक बॉटल और चिप्स पैकेट देगा ना यार, कम से कम एक कॉफी और सिगरेट तो हो जाए। लोगों को ना खाने पीने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, तुम लोगों ने कब पार्टी दी? चलो मैं खिलाता हूँ। क्या बात है, ए विकी तू सिगरेट ले गया, तू क्या ले गया? चाय देना। ए सत्य, एक चिप्स का पैकेट देना। चाय ले यार, चाय ला मुझे दे। ए इधर देना। क्या है संतू, इधर उधर देख के सविता तुझे मिठाई देने आई थी, परसों लड्डू आज बर्फी। यार तेरे तो मजे चल रहे हैं, इतनी मिठाइयां खा रहा है, अब क्या बचा है? यार तुम्हारा लड्डू बर्फी का तो हो गया, अब ये बता तुम्हारा शादी का क्या सीन है? दोस्त, शादी करने के लिए दिल में कुछ कुछ होता है कि नहीं यार? होता है, होता है, बड़ी मुश्किल से तो मामा ने मुझे ये जीप दिलवाई है, कुछ कुछ होता है। पहले ही मुझे देखते हैं पापा चिल्लाते हैं, उनसे प्यार व्यार की बातें करूंगा ना तो काट ही डालेंगे बेटा। लो इसके भरोसे रहेंगे तो शादी का खाना भी नहीं मिलेगा। मुझे तो अभी बस पैसा कमाना है, पैसा। तू शादी कर या ना कर, कॉलेज जाने के लिए जीप मिल गई। चलो चलो, लेट हो रहा है, जीप है तो ये मैं सोचना कि फोकट में जाओगे, सबका 50-50 रुपया लगेगा। ये लो, कंडक्टर सीट पर तो मैडम सेट हो गई, वसूली का इरादा है क्या? तो तुम्हें क्या लगा तुम सब फोकट में जाओगे? हाँ, KRCTC बस में हम लोग ड्राइवर थे, इसलिए पैसा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा तो मैं भी देखती हूँ,
कि तुम सब लोग फोकट में कैसे आते हो। सुन रहा है सविता, ऑटो मामू को चूना लगा के हम लोग यहाँ तक आए हैं और तू कहती है पैसे दे। पैसे देने का अपने कोई सीन नहीं है। देखो संतु, जैसे उसे बेवकूफ बनाया वैसे तुम्हें भी बेवकूफ बना रहे हैं। सविता नीचे उतरना। देखो मैं रेगुलर पैसेंजर हूँ, फोकट में ही आऊंगा, जरा जीजू को समझा देना, बोलना प्लीज प्लीज प्लीज। चल चल निकल यहाँ से। चलो चलो बस करो, छोड़ जाओ। ए चलो चलो जल्दी बैठो यार, नहीं तो ये भी छोड़ के चला जाएगा मैं। चलो ए, इसके भरोसे रहेंगे तो यहीं सेटल होना पड़ेगा। चल ऑटो पकड़ते हैं। ए चुप करके बैठ, कहाँ से उठा के लेके आया, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तू क्यों बीच में बोल रहा है, और स्टार्ट होने वाला भी नहीं है। ए डब्बा गाड़ी है ये। इस डब्बा गाड़ी को लाकर इतना स्टाइल मार रहा था। अच्छा बता, पहली बार में ये हाल है तो तुझ पे तेरी जीप पे हम लोग कैसे भरोसा करें? भरोसा करेंगे ना तो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ए चलो ऑटो आ गया, चलो चलो जल्दी आ जाओ। चलो चल बैठ, खिसक ना खिसक। पता नहीं क्या हो गया इसको, अभी तक तो ठीक थी। डब्बा फ्रेंड्स, अब स्टार्ट हो जाएगा। ये तेरा ही काम था ना। सविता आज कुछ लाई नहीं मेरे लिए। मैं तो अपने आप को ही लेके आ गई, और क्या लाऊं तुम्हारे लिए। अरे इतनी उदास क्यों होती हो, तुम कुछ नहीं लाई तो क्या हुआ, ये मेरी तरफ से। ये क्या है, जीप लाए हो उसकी खुशी में? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये मिठाई किस बात के लिए? कुछ नहीं। सॉरी संतु। वो क्यों? मेरी वजह से तुम्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है सविता, तुम क्यों टेंशन ले रही हो। संतु आई लव यू संतु, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। क्या बात कर रही हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर ऐसा सीन नहीं है तो तुमने उन लड़कों को क्यों मारा जिन्होंने मुझे छेड़ा था। अरे पागल, उस जगह पर कोई दूसरा भी तकलीफ में होता तो भी मैं यही करता। मैं तुझसे प्यार करूं, उसके बाद तेरा भाई और मेरा बाप विलेन की तरह झगड़ेंगे और हम दोनों लास्ट में गुस्से में रह जाएंगे, यही सब चाहिए क्या। मुझे तुम्हारा फाइनल जवाब चाहिए, अगर ओके नहीं कहा तो जीवन भर तुम मेरी शक्ल कभी नहीं देख पाओगे। अब मेरी जान तुम्हारे हाथों में है, मैं चलती हूँ। सविता मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे देख के मेरा बाप इतना चिढ़ता है कि वो मेरे प्यार के लिए कभी नहीं मानेंगे, मुझे पता है। यार वो लोग माने ना माने क्या फर्क पड़ता है, तू भगा के ले जा, हम लोगों का फुल सपोर्ट है तुझे। नहीं गया ना तो तू भी हम लोगों की तरह वेस्ट हो जाएगा यार। अरे तू चुप रह, इसको समझाना है यानी कि भैंस के आगे बीन बजाना है, इसे खाने के सिवाय कुछ नहीं आता है। संतु लड़की माँ मातृभूमि आसानी से नहीं मिलते, और तुझे तो प्यार मिला है, तेरे पिछले जन्म का पुण्य है, लकी है तू, प्लीज अपने प्यार को बचा। यार प्यार का मतलब टेप रिकॉर्डर वाली कैसेट नहीं है, जब चाहे रिकॉर्ड करो, नहीं चाहिए तो फेंक दो, ये दिल है, प्यार एक ही बार होता है, इस बात को समझ ले तू। दीवाना दिल मेरा हो गया।
हाय दोस्तों, कैसे हो? हाय हाय हाय, सॉरी यार, आज लेट हो गया। ये क्या, रोमियो उधर है, जूलियट इधर है, इन लोगों की कहानी पता ही नहीं चल रही है। हाँ सविता, संतु उधर मंडप में वेट कर रहा है, तू यहाँ क्या कर रही है, जाओगी नहीं क्या? क्यों संतु यहाँ वेट कर रहे हो? मेरे लिए वेट कर रहे हो ना? बाप रे, अब मेरा जन्म सफल हुआ। तेरा जन्म तो सफल हो गया, जमीन में रहने वाला ये संतु और आकाश में जाकर ये सारे। ये तारा तुम्हारे पास चल के आया है, देखो बचा लो इसे। इस तारे को बचाने की मेरी भी बहुत इच्छा है, बचपन से ही मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा था। सच में सविता, मुझसे वादा करो कि मेरा साथ निभाओगी। सविता, अरे बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन दिल की बात कभी बोल नहीं पाए, अंदर ही अंदर घुटते रहे। ये जो सविता है ना संतु, 7 जन्मों के लिए सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी ही रहेगी। हाँ
जरा फोन दे। हेलो रवि, कहाँ है तू? कल सुबह तक तो घर पे पहुंच जा। क्यों, किस लिए ये सब मत पूछ, सुबह तक घर पहुंच जा, मतलब पहुंच जा, समझे? ग्राम संस्था की तरफ से झंडा दौड़ प्रतियोगिता में, जो कि 10 साल से लगातार चल रही है, इसमें भाग लेने वाले सभी को हमारा अभिनंदन। इस प्रतियोगिता में कंसील ग्राम के रुद्रा का बेटा संतोष, वो भी भाग ले रहा है। इस प्रतियोगिता में कोई भी जीते उसे हमारा अभिनंदन। और ये देखिए, दौड़ शुरू हो गई। भाग भाग, जल्दी भाग भाग, जोर से। और इस प्रतियोगिता के विजेता है संतो। भाई बोलो। एक बात बतानी है, आप गलत मत समझना। अरे बोलना भाई। वो अपनी सविता है ना, वो क्या बोलू, सविता वो संतो के गाल पे अचानक से आई और किस करके चली गई। Hey, क्या बकवास कर रहा है तू, घर पे आ। आता हूं। भगवान आप, मेरा नाम भी आपके ही जैसा है भगवान। इस घर की जो कन्या है वो किसी और, नहीं नहीं नहीं, मेरी होनी चाहिए, ऐसा वर दो भगवान। कैसे हो जगदीप, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? मस्त लोग, अच्छे लोग हैं, मुझे तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे हैं। अब शादी करके मैं भी यहीं रहने की सोच रहा हूँ। लड़की देखने की जल्दी क्यों है? Yes, ये तो वो कैसी होगी? क्या हुआ बेटा? नहीं नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। नीला, चाय लेके आ जाओ। आ जाओ बेटा, चाय पिलाओ इनको। ये तेरा होने वाला पति तुझे आँख क्यों मार रहा है? तू चुप कर। क्यों बेटा, तुम्हें हमारी लड़की पसंद आई ना? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। उससे पूछेगी मैं उसे पसंद आऊं कि नहीं। ये कौन है मुझे पता नहीं, इनसे जरा पर्सनल बात करनी है। दादी, तुमसे क्या स्पेशल बोलना पड़ेगा, तुम जाओ। हाँ, इस बुड्ढी को बोलो कि वो अंदर जाए। सुनिए, जरा इधर आइए ना। मुझे आप बहुत अच्छे लगे। बहुत पसंद हो, मेरा चांद का टुकड़ा, मेरे दिल की रानी हो। वैसे आपको लव मैरिज पसंद है या अरेंज मैरिज करना? मुझे तो लव मैरिज ही पसंद है, मेरी सोने की गुड़िया। आपको भी लव मैरिज पसंद है, मुझे भी लव मैरिज पसंद है। तो फिर क्या हम लव करके उसके बाद शादी करेंगे? प्लीज। ओके मेरी सोना। तो फिर ठीक है, फिर आप मुझे ऐसे ही देखते रहिए, मैं भी आपको ऐसे ही देखती रहूंगी। हम दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहेंगे। उसके बाद उसके बाद तुम तो
से मेरे आगे पीछे घूमते रहना, तुम मुझे लव लेटर देते रहना। उसके बाद तुमसे इम्प्रेस होकर मैं आई लव यू बोल दूंगी, ठीक है ना? आई लव यू। अरे अभी नहीं, बाद में, फाइनल मैच के बाद। नमस्कार। सुनो, वो नमस्ते वगैरह सब छोड़ दो, मैंने जो काम बोला था उसका क्या हुआ? बस आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। अब वो जमीन में छुपा करके भी रखेगा ना, तो भी मैं जमीन से उखाड़ करके ना मुंह तोड़ जवाब दूंगा। अब मैं पक्की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सुनो। उसके फार्म हाउस पर जाकर माल समेत उसको पकड़ के अंदर कर दो। तुमने मुझे जो प्रूफ दिया है ना, तो रुद्रा को उसकी रुद्र भूमि से कैसे उखाड़ता हूँ, तुम्हें कोई डाउट है क्या? ये डाउट वगैरह नहीं चाहिए यार, जो बोला वो पहले करो। ए, आराम से आराम से, देख के उठा, हटाओ जल्दी यहां से। हाँ, ए, ये सब हटाओ यहां से, जल्दी करो। ए, सब जगह जाकर देखो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। आज पकड़ना उसे, कहाँ जाकर ढूंढो, पकड़ कर ही छोड़ूंगा उसे। कौन है आप लोग, क्या चाहिए आपको? ए, तेरा पति कहाँ है? वो बाहर गए हैं। वो कहीं भी हो, आज उसके माल को पकड़ कर रहूंगा और उसको भी नहीं छोड़ूंगा, लाइफ लॉन्ग के लिए अंदर कर दूंगा। ओहो, देवराज साहब, क्या रेड है क्या? छोटी बॉटल के लिए चांस ही नहीं है, एक बॉटल नहीं मिलेगी। वो क्या है ना, ये धंधा छोड़े हुए मुझे काफी टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया ना, एक बार माल मिलने दे, फिर दिखाऊंगा कि देवराय कौन है। शांता, हमारे साहेब हार्ड ड्रिंक की बॉटल ढूंढते ढूंढते थक गए हैं बेचारे, कुछ कोल्ड ड्रिंक यहाँ। ए रुद्रा, छुपा हुआ माल बाहर निकाल दे। तुझे तो पता है ना, एक्साइज डिपार्टमेंट का रूल एंड रेगुलेशन, उठा के ले जाके ऐसा चार्ज मारूंगा। तेरे अलावा अगर किसी और ने ये बात बोली होती तो यहीं लटका दिया होता। इतनी देर से ढूंढ रहा है क्यों? कुछ नहीं मिलने वाला। हेलो मिस्टर, माल के साथ पकड़ो, तब तुम्हें मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं खुद सरेंडर करूंगा। घर पूरा चेक किया सर, कुछ नहीं मिला। ठीक है चलो। हाँ हाँ। ए रुद्रा, कब तक बचोगे मुझसे? जिस दिन मेरे हाथ माल लग गया, ये देवराय कौन है तब बताऊंगा, समझा? मैं भी इंतजार कर रहा हूं। नमस्कार मालिक। नमस्ते। नमस्कार मालिक। काम जल्दी खत्म करो। रवि, बचपन में तूने नारियल के पेड़ लगाए थे ना, वो 50 फीट के हो गए हैं, तुम्हें याद है ना? सब कुछ याद है, कैसे भूल सकता हूँ। जीजू, आपने अर्जेंटली बुलाया था, 8-9 दिन हो गए, कुछ बताया नहीं, क्या बात है? बताता हूँ। अब तुमसे क्या छुपाऊं मैं, वो मैं सविता और तुम्हारी शादी कराना चाहता था। सविता मुझे बहुत पसंद है, मैं अगर सविता को पसंद आए तो रिश्ता पक्का। तुम्हें तो पसंद है ना? ठीक है, सविता को मैं मना लूंगा, तुम्हारे घर वालों से भी बात करता हूँ। ठीक है जीजू। नीला, हाय मेरी जान नीला, मेरी जान। आ गया आधा बट आधा औरत। यहाँ भी देखा, वहाँ भी देखा, कहीं नहीं मिली। बस स्टैंड देखा, होटल में देखा, उधर भी नहीं मिली। हे, होटल में देखा, बस स्टैंड में देखा, किधर भी नहीं मिली। होटल में देखा, बस स्टैंड में देखा, किधर भी नहीं मिली। इधर भी देखा, उधर भी देखा, कहीं नहीं मिली। उधर भी देखा, इधर भी देखा, उधर भी देखा, इधर भी देखा, किधर भी पूछा, नहीं मिली। अरे बाबा बाबा बाबा, कितना सुरीला गाना गाता है तू, इतना सुरीला गाना गाना तूने कहाँ से सीखा? हाय नीलू, नीली 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 नीली, तुझे क्या मैं अच्छा लगता हूँ, आँखों में तेरी तस्वीर लेके नाच रहा हूँ, स्कूली बच्चों से, गेट के वॉचमैन से, तेरे बारे में सब पूछ के आया हूँ। क्यों रे, तेरा मूड ऐसे कैसे हो गया? तुझे आँख मारो और कैसा हो गया है? अरे रे रे,
तूने मुझे कब आंख मारी भला? पता नहीं, तू धीरे 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 आगे चली जा रही थी। हाँ? पीछे से आंख मारा तो पता चला क्या? तू पीछे से आंख मारेगा तो मुझे आगे कैसे पता चलेगा? पीछे से आंख मारते मारते मैं आगे आ गया तो पता चला तुझे, समझी? अरे समझी की नहीं समझी? अरे सुनना सुनना, ए नीलू 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 नीलू। अच्छा सुन, तू मुझे एक अपनी अच्छी सी फोटो दे। भगवान के सामने रख के मेरी पूजा करने वाली है क्या? कपड़े धोते समय उसे देख के धोऊंगी। फुर्र करूंगा, मुझे देख के तुझे इतना गुस्सा आता है क्या? मुझे देख के कपड़े धोने के लिए मेरी फोटो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के लिए ही देता हूँ। हाँ। ओफो, ऐसा नहीं है, तेरा फोटो मस्त आता है। नीलू तू और मैं और तू शादी करेंगे सोच रहा हूँ मैं। शादी क्या, कर ले शादी, कौन ना बोलता है तुझे। तेरे लिए मैं एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी, फुर्र करके दे दूंगा मैं। हाँ वापस तू वही बोल रहा है, चल रहने दे, लड़की देखती हूँ। ठीक, जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से देख चुका हूँ। किधर है फिर? इधर ही है। मोटी है, अच्छी है, नीली साड़ी पहनती है वो, देखने में गोरी है। नीला 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 नीला, क्या हुआ? हाय मेरी नीला, तेरे दिल के करंट से मेरे दिल में बल्ब जल रहा है। किधर जल रहा है? मगर तूने दूसरे को लाइन दी तो मेरे दिल का फ्यूज उड़ जाएगा। कौन है वो? नीला। मैं क्या? तूने कभी शक्ल दिखी आईने में? तू मुझसे शादी करेगा? मुझसे जो शादी करेगा वो देखो सामने आ रहा है, मेरे सपनों का राजकुमार। चमक चलो आजा रे मेरी खुशी के लिए। मेरा वाला देख उधर आ रहा है, मेरे सपनों का हीरो, मेरे दिल का राजकुमार। हाँ, उसके सामने तो कुछ भी नहीं। नीलू, ये हिलने वाले इंसान के साथ रोड पे मीटिंग कर रही है क्या? कुछ नहीं मेरे राजा। कितना गंदा बास आ रहा है तेरे मुँह से। तू दारू पिया है क्या? तूने कभी कुछ पिया नहीं है क्या? भगवान भगवान कसम, मैं शराब को टच भी नहीं किया। नींबू की पी के आ रहा हूँ, बहुत मस्त माल होता है। हाँ, ब्रांडी पीने वाला गांव का मुखिया, कंट्री पीने वाला गांव का मेले, लेकिन ये कह रहा है ये तो कभी कुछ पीता ही नहीं है। अरे बिना पिए कैसे जिएगा तू? है पीता नहीं कभी तू? फुर्र कर दूंगा। तू इसके चक्कर में यहाँ पे क्या कर रहे है? तू कहीं और जा करके जुगाड़ कर। तेरे ऊपर आग डाली और मैं चाहता हूँ गाँव का कोई आदमी तेरे ऊपर आग ना डाले। तू ऐसे बोल रहे है कि अभी करेंगे बाद में करेंगे, आप लव करके शादी करेंगे? ऐसा नहीं है, हनीमून से लौटने के बाद भी मुझसे शादी करोगे तो भी मैं रेडी हूँ। अच्छा माय दिल। ए संतू, संतू क्या हुआ यार? क्या यार, क्या कर रहा? दिखाई नहीं दे रहा क्या? गाड़ी साफ कर रहा हूँ। यार कॉलेज तो आता नहीं है, चल ना कहीं बाहर चलते मजे करते हैं, है ना? करेक्ट बोला यार, कॉलेज बंक करने के लिए हम रेडी, पैसा खर्च करने के लिए तू रेडी, फिर सोचना क्या, चला गाड़ी। अरे तुम लोगों को पता है ना मेरे पापा कैसे हैं, तुम लोगों के साथ साथ मुझे भी मारेंगे। छोड़ ना रुद्रा की गोली, टेंशन मत ले यार, जाके आते हैं। एंगेज 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 रहने का। ए कचरे के बच्चे लोग, तुम लोग खराब हो तो क्या मेरे बच्चे को भी खराब करोगे? माफ कर दो, माफ कर दो अंकल, आइंदा से हम लोग ऐसा नहीं करते। छोड़ दो, मैं छोड़ दो अंकल, छोड़ दो। अरे छोड़ ना इसको, अरे अरे मारी डालो ये क्या? अरे पागल संतु, पागल कुत्ते की तरह मार रहे हैं ये लोग, कम से कम एक पिक्चर तो दिखा देना यार। ओ उसके पापा की आवाज से तुम तो डर गए थे, अगर रास्ते में मिल गए ना तो तुम्हारी जान निकल जाएगी। चल, एक तू ही तो सच्चा दोस्त है जो मुझे समझता है। अभी मालूम पड़ा कि तुम्हारे साथ क्यों नहीं आता है। मैडम मणिपुर मंदिर में वेट कर रही हैं। मैडम नहीं आएंगी तो ये जीप आगे नहीं जाएंगी। तू कॉलेज नहीं आता है तो मैडम कॉलेज नहीं आती हैं। क्या लव है, लव है, लव है। अभी क्या मणिपुर के पास मिलने का प्लान है? हेलो लो 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 संतु। गांव का मेला खत्म होके एक सप्ताह हो गया और तुम्हें आज मेरी याद आई? आई एम सॉरी। सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। सुनो, ये गांव वालों के सामने तुमने किस किया था ना, उन लोगों को पता चल गया ना तो हमारी कहानी खत्म।
क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वो लोग? ज्यादा से ज्यादा हमें मार डालेंगे, पर हमें अलग नहीं कर सकते। सविता, गलती से भी कभी मरने की बात मत करना, ठीक है? चलो चलते हैं। अच्छा सुनो, तुम्हारे घर पे वो लड़का कौन आया है? अच्छा वो मेरे अंकल का लड़का है, मेरे यहाँ आते जाते रहता है। क्यों, क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम मुझे छोड़ के गई तो मैं तुम्हारी कसम मर जाऊंगा। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे बिना मैं जी पाऊंगी? मैं भी तुम्हारे साथ ही मर जाऊंगी। सविता, गलत है आपका कानून। लाइसेंस के बगैर हथियार लेकर घूमना गलत है। आप ऐसा कुछ भी बोल के मुझे अरेस्ट करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे मुझे। बोलिए, ऐसा खुली तलवार लेकर के गांव में घूमूंगा तो लोग डरेंगे। लीजिए, मैं इसे तोड़ देता हूँ। है बड़ा आया पुलिस वाला। कहां से ये पागल मिल गया मुझे। क्या यार, ये पुलिस वाला तुझे घूर के क्यों जा रहा है? उसका और मेरा चलता रहता है, छोड़ना। संतु, तेरा पापा ने फोन किया है, बात कर ले। हाँ, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो पापा। चिकप्पा, बहन, भाई लोग सब कैसे हैं? सब लोग अच्छे हैं। पहला होलसेल वाला 50 केस देगा, उसे ले जाकर खेत वाले घर के ऊपर रख देना। पापा वो ये वो क्या, जो बोला वो काम कर और ध्यान से सुन। हाँ बोलो। अपनी जीप लेके जाना और एक्साइज ऑफिसर की नजर में मत आना, समझाना? ठीक है पापा। आपने होलसेल वालों को बोल दिया? हाँ बोल दिया है, तू जाना। पीछा करो। रुक जा साइड में ले गाड़ी। एक रुक और तेज। ए तेज आओ। फास्ट।
चलो। हाथ बंद इसके, लेके चलो। ए, चल, बहुत चर्बी चढ़ी ना तुझे, इसे गाड़ी में डालो, चलो। वो एक्साइज ऑफिसर देवराय कैसा आदमी है मुझे पता है, आप क्या करते हो मुझे नहीं मालूम, कुछ भी करो मेरे बेटे को छुड़ा कर लाओ। थोड़ा चुपचाप बैठोगी, जब देखो बड़बड़ करती रहती है। आदमी को पैदा होने के बाद कोर्ट कचहरी देखना ही पड़ता है, और फिर ये सब कुछ पहली बार ही तो हुआ है। क्या पापा, जो होना था हो गया, अब भाई को कैसे छुड़ाना है उसके बारे में सोचिए, यहाँ आपस में झगड़ा करने से क्या फायदा। ए, तो चुपचाप पढ़, नहीं तो दूंगा एक। अब वो क्या बोल रही है, सुनो तो। उस एमएलए से मेरा अच्छा परिचय है, मैं अपने बेटे को छुड़ा लूंगा। कहां से आया इसके बाप में इतना दम, तो हम तो यहीं पैदा हुए, हमारे में कितना दम होना चाहिए सर। इसका बाप चालाक है सर, इस धंधे में हम लोगों को आगे रखकर बिजनेस कर रहा था इसका बाप। क्या रे, क्या घूर के देख रहा है, अब तू यहां से बाहर कैसे जाता है और तेरा बाप कैसे छुड़ाता है मैं भी देखता हूं। वो तेरा बाप है ना रुद्रा, उस दिन तो मेरे हाथ से निकल गया था लेकिन आज फंस गया, अब जाएगा कहां, बता वो माल किसका है। अब देखता हूं तुझे कौन छुड़ा कर ले जाता है, अब तू गया समझा। आप मेरे बाप के बारे में कुछ भी नहीं जानते सर। ए, तेरा बाप सीएम है या पीएम है उसकी जानकारी से पहले मैंने अपने करियर में कैसे कैसे लोगों का मुंह खुलवाया है ये तुझे नहीं पता। तेरा बाप काले धंधे करता है, दारू बेचता है, तुझे और तेरे बाप को नहीं छोड़ूंगा। तूने किसको कैसे कहां मारा मुझे नहीं पता, पर मेरे बाप रुद्रा का अवतार देखेगा तो तेरी रूह भी कांप उठेगी। तेरे बाप ने कितने कितने लोगों का खून किया है तुझे नहीं पता, मैं तुझे अभी बताता हूं। कल के प्रोग्राम में स्पीच एकदम अच्छे से रेडी रखना, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए पिछली बार की तरह। नमस्कार एमएलए साहब। नमस्ते रुद्रा जी, बैठिए, क्या समाचार है। कुछ नहीं, वो एक्साइज ऑफिसर ने मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया है। अच्छा, कौन है वो ऑफिसर, का नाम क्या है। वो सर देवराय करके। अच्छा, हेलो, मैं एमएलए रामनारायण बोल रहा हूँ। ओ नमस्ते एमएलए साहब, आपने रुद्रा जी के बेटे को क्यों अरेस्ट किया। बहुत बड़ा मैटर है सर, उसका बेटा 5 लाख का माल लेकर के भाग रहा था सर। आपका आदमी है, अगर ये पता होता तो मैं उसे छोड़ देता सर, लेकिन एफआईआर दर्ज हो गई है सर, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
सच कह रहा हूं सर। मैं रुद्राजी को वहां पर भेज रहा हूं, उनके लड़के को छोड़ दो। रुद्राजी, मैंने ऑफिसर को बोल दिया है, आप जाकर अपने बेटे को छुड़ा लीजिए। धन्यवाद सर। ओ रुद्र भाई, आओ आओ, बेटे को छुड़ाने आए हो, जाओ साहब से बात करो। हाँ हाँ, ये क्यों रुद्रा, उस दिन तुम अपने घर पर क्या बोल रहे थे? अगर तुम्हें ताकत हो तो रंगे हाथ पकड़ कर दिखाओ। वही दिखाने के लिए मैंने ऐसा कदम उठाया है। दोस्त जितने भी हो उतना ही अच्छा है, लेकिन दुश्मन एक ही बहुत है बर्बाद करने के लिए। हाँ ठीक है, चलो मेरे बेटे को बुलाओ, उससे जरा बात करनी है। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई है। ए कुलकर्णी, इसके बेटे को लेके आओ। ओ बैठ जा, तुम्हारे घर आया था, तूने बराबर इज्जत दी थी। संतु कैसा है बेटा, ठीक तो है ना? बिंदास रह, मैं हूं ना तेरे साथ। इन कुत्तों को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा। सुन, तू बिल्कुल मत घबराना, मैं खड़ा हूं यहां पे, समझा ना? ए रुद्रा, आज शनिवार है और अब तो कोर्ट बंद होने का टाइम हो गया। ए कल संडे है और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। तू एक काम कर, तू अपने घर जा और जो दारू तूने बनाई ना उसकी एक बोतल ले और उसको पी जा और सो जा। सोमवार को अपने बेटे को आकर के छुड़ा। ए देवराय, तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसके लिए तो तुझे पछताना ही पड़ेगा। हिम्मत से रहना बेटा, मैं आऊंगा तुझे लेने। ए, चल चल चल, बहुत देखे तेरे जैसे मैंने। मैं पछताऊंगा बोल रहा है, गलत काम किया है तूने। ए लेके जाओ इसको। रुद्रा भाई, जाके एक बार बड़े साहब से बात कर लो, नहीं तो तुम्हारा बेटा लॉकअप में ही रहेगा। ए रुद्रा, तेरा बेटा लव 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 में पड़ा है, उसको थोड़ी अकल दे, नहीं तो मालूम है ना मैं क्या करूंगा। सविता, क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? थोड़ा नाश्ता कर ले, उठ जा। तेरे फ्रेंड संतु को एक्साइज वालों ने अरेस्ट कर लिया, इसलिए बुरा लग रहा है ना? तू उसे पसंद करती है ना? तू उसे पसंद करती है, अगर ये बात तेरे भाई को पता चलेगी तो वो बहुत झगड़ा करेंगे। तू बिल्कुल डर मत, मैं हूं तेरे साथ, आओ चल, तेरे भाई से मैं बात करती हूँ, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तू नाश्ता कर, मैं तेरी प्लेट लगा देती हूँ, तू बैठ जा, बैठ ना, बैठ, मैं अभी आती हूँ। हाँ सविता। हाँ? रवि नजर नहीं आ रहा है। अंदर है भैया। अच्छा हुआ आप आ गए। हाँ। सुनिए, आपको अभी खाना लगा दूं या रवि के आने के बाद खाएंगे? कोई बात नहीं, अभी परोस दे। हाँ। हाँ। मुझे चटनी दे दो। जी बस बस। सुनिए, रुद्रा का बेटा संतु है ना, उसको एक्साइज ऑफिसर उठा के ले गए और बहुत मारा। वो अपने गांव का ही लड़का है ना, तो एक्साइज वाला देवराय आपका दोस्त है, उनसे कह के छुड़वा दीजिए ना। सरोजा, जैसा बाप वैसा बेटा, उसका बाप एक स्मगलर है, उनके काले धंधे एक या दो नहीं है, उसने जैसा किया है वैसा ही भरेगा। और वो ऐसा नहीं है। सुनो, चोर और धोखेबाजों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इस घर की इज्जत कभी भी मिट्टी में नहीं मिलनी चाहिए, उन लोगों के बारे में सोचना बंद करो। रवि आएगा तो खेत में भेज दो।
ये पीने का मजा ही कुछ और है, पीने के बाद ही सब कुछ याद आता है। प्यार ही नहीं रहेगा तो सुख कैसे मिलेगा? वो इंसान लोग मुझे भगवान बोलते हैं, ऐसा है। एक बार पी लिया तो बाकी का टेंशन समाप्त हो जाएगा। ए बेबड़े, जल्दी पी के उठ, नाटक बंद करो, घर जा। पीने के बाद तेरे जैसे वेस्ट बॉडी से बात करना पड़ता है। पीने वाले को कभी भी गलत मत समझना। अरे हम लोग ना पीते हैं तभी तो सरकार को टैक्स मिलता है और सरकार अपना काम करती है, समझा? क्या हुआ संतो, ये चाय पीने से कुछ नहीं होगा, समझ गया ना? इसको पी, इसको गम बुलाने के लिए। ए तू अपनी राम कहानी बंद कर, इधर बैठ के दारू पी के किधर की भी बात करता, पता नहीं कहाँ की बात करता, कुछ पता नहीं चलता। जल्दी खत्म करो, निकल यहाँ से। देखा, दुनिया जीने नहीं देती है, दुनिया ऐसी होती है, सामने वाले को अच्छा भी नहीं होने देती। इस दुनिया में प्रेम प्यार इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ने हम लोगों के लिए ये अमृत बनाकर भेजा। इसको पीने के बाद दुख दर्द प्यार मोहब्बत सब भूल जाता है, जिंदगी आराम से चलती है। सिर्फ पीना ही मेरी वीकनेस है और मैं मेहनत करके ईमानदार से कमाता हूँ। लेफ्ट हैंड में रम, राइट हैंड में दम, तभी रहती है बॉडी रदम। कुछ तो बोल बेटा। सब दुख में पीते हैं, मैं सुख में पी रहा हूँ। ये पैदा करने वाली माँ जब बच्चे को सीने से लगाती है तो बच्चा माँ की गोद में चुप हो जाता है। मुझे भी मेरी माँ की बहुत याद आती अच्छा, है। अच्छा, बहुत याद आती है। मामा, मैं इसे खत्म कर दूंगा। ये देवराज की क्या औकात है मेरे सामने? मेरी माँ का आशीर्वाद है मेरे पास। अच्छा, चलता हूँ। संभाल के जाना बेटा, संभाल के। तेरी बातों का हुआ ये असर,
सविता, सविता किधर हो सविता? ए चलो, मैं आया हूं संतु, प्लीज बाहर आओ। मेरा ऑर्डर मिलने तक वेट करो, इतनी जल्दी हंगामा करना ठीक नहीं। सविता जल्दी आओ बाहर, नहीं तो मैं अंदर आ रहा हूं। सविता कौन है ये? मुझे नहीं मालूम भाभी, लगता है कोई पागल है। देखो बेटा, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, पर मेरे बेटे जैसे हो इसलिए दो बात अच्छी बोलती। यहाँ शुभ काम चल रहा है, तुम्हें पता है ना, तुम जिसे प्यार करते हो वो ये सविता नहीं है। अगर इसे भी तुमसे प्यार होता तो अभी तक ये तुम्हारे पास आ जाती। मैं आपको कैसे समझाऊं? सविता तुम ही कुछ बोलो, आखिर तुम चुप क्यों हो? तुम्हारा संतु आया है, बताओ इन्हें। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम कौन हो मैं नहीं जानती। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ सविता, तुम्हारे बिना जीने की ताकत नहीं है मुझ में, एक पल भी नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बिना, प्लीज सविता, सविता। ए! ये प्रेम प्यार क्या है मुझे पता नहीं था, मुझे ये प्यार का लड्डू खिला के मुझे पागल बनाकर आधे रास्ते छोड़ दिया और मुझसे पूछती है मैं कौन हूँ, मेरी जिंदगी को खेल समझ रखा है क्या? ए सविता बाहर आ, चलो रे सविता। मुझे पागल बना के छोड़ेगी। मैं इस गांव का सबसे बड़ा गुंडा हूँ, कहे तो प्रूफ करके दिखाऊं, और इस बात को कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी में अंधेरा करके तू अपनी जिंदगी को रोशन करेगी। ऊपर वाला जानता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, प्लीज सविता समझना। ए सविता, हम जैसे लड़कों के साथ दो प्यार के बोल बोल के पागल बना के आधे रास्ते में छोड़ के सबको दिखा के हाई क्वालिटी मेंटेन करते हो क्या? आ जाओ, आज फाइनल होकर ही रहेगा। ए, उठाओ इस बेवकूफ को और जाकर रेलवे पटरी पे डाल दो। ओके भाई। भाई भाई, हाँ? क्या हुआ तो इस टाइम यहां? संतु को मार के रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया। संतु, संतु, जल्दी कर, जल्दी लाला, संतु, संतु, चल चल चल, संतु, चल चल चल, जल्दी कर, संतु, क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, संतु उठ बेटा, संतु उठ ना, संतु, तू बात क्यों नहीं कर रहा संतु?
संतु बेटा उठना। डॉक्टर संतु, संतु संतु उठना। संतु संतु क्या हुआ? संतु बात कर मुझसे। संतु संतु उठ, देख देख तेरा बाप बात करना चाहता। संतु संतु देखिए डॉक्टर साहब, देखिए मेरे बेटे को क्या हुआ। डॉक्टर साहब देखिए, ये कुछ बोल नहीं रहा। डॉक्टर साहब प्लीज आप लोग बाहर जाइए, हम लोगों को अपना काम करने दीजिए। प्लीज जाइए आप लोग प्लीज। संतु मेरा बेटा, डॉक्टर साहब भगवान के लिए बचा लीजिए। डॉक्टर साहब बचा लीजिए मेरा बेटा। संतु अंकल संतु। कितनी अच्छी दिख रही हो तुम, कहीं मेरी नजर न लग जाए तुम्हें। संतू को क्या हुआ? अरे बताइए संतू को क्या हुआ? ए संतू को क्या हुआ? अरे कोई तो बोलो, संतू को क्या हुआ बताओ मुझे, तुम्हें बताओ ना क्या हुआ संतू को। सुनिए ना, अब बताइए, बोलिए ना पापा, भाई को क्या हुआ? शांता दया करके मुझे माफ कर दो, जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। आपकी गलती नहीं है अंकल, सब गलती सविता की है। उस सविता को हम नहीं छोड़ेंगे अंकल। बैकी चल गाड़ी निकाल, देखते हैं उसे। नहीं बेटा, उसकी कोई गलती नहीं। देखो सविता, प्यार करना गलत है मैं ये नहीं कहता, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों को, तुम्हारे जैसे लेवल के लोगों से ही प्यार करना चाहिए। इस बात को समझो, ये बात भूल के तुम एक गरीब के लड़के से प्यार करती हो, ये तो गलत है ना? नहीं अंकल, मैं तो बचपन से ही संतू को बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं शादी करूंगी तो संतू से ही करूंगी। गलत बात है ये नहीं बोल रहा हूँ। देखो, तुम्हारा भाई मोहन, ये एक्साइज ऑफिसर देवराय, हमारे घर पे वो काम करता था ना कुमार, उन सबको ये पता चल गया है कि तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो। तुम संतू को छोड़ के तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए जो लड़का पसंद किया, अगर तुम उससे शादी कर लेती हो तो मेरा बेटा बच जाएगा। ये सब मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब तुम्हारे भाई ने कहा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, मेरे बेटे को बचा लो। एक डॉक्टर होने के नाते जो मुझे ट्रीटमेंट देना चाहिए था वो दिया है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बचाना ना बचाना ऊपर वाले के हाथ में है। सर पे ज्यादा चोट लगने के कारण अभी 24 घंटे में और कुछ नहीं कह सकता। हे भगवान, मैं एक बार मिल सकती हूँ? Yes, you can see now. संतु, संतु मेरा बेटा, क्या हुआ तुझे बेटा? संतु देखना, माँ आई है तेरी, बात कर बेटा मुझसे। बात कर भाई, मैं आई हूँ, मुझसे भी बात नहीं करेगा क्या? बात कर भाई। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब मेरा बेटा कैसा है? देखिए आप गलत मत समझिए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर ऐसा क्यों बोल रहा है। सागर के पास एक बहुत ही मशहूर आश्रम है, वर्दली श्रीधरा आश्रम में लेके जाएंगे तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा मैंने सुना है। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक होगा। खाना खा के जाइए ना भाई। संतू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आ रहा है। सुन, सविता को ले जाने का इंतजाम कर। आगे क्या करना है मैं देख लेता हूँ। ओके भाई।
चैन ना आया रे रिश्ता तेरा मेरा जग को रस ना आया रे।